दोस्तों हैमस्टर कॉम्बैट का विड्रॉल का अपडेट आ चुका है, तो इसका TGE लिस्टिंग वगैरह का डेट तो आपको पता होगा, ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। अब साथ में विड्रॉल का अपडेट भी आ चुका है। सबसे पहला एक्सचेंज OKX का रहने वाला है, तो आप चाहो तो OKX पर विड्रॉ कर सकते हो। और जिन कंट्रीज़ में OKX एक्सचेंज बैन है उन कंट्रीज़ के यूजर्स के लिए भी एक नई अपडेट दे दी है। सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में कवर करने वाले हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मेरे टेलीग्राम के चैनल के साथ भी ज्वाइन हो जाना, फ्री ऑफ कॉस्ट है और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट तुरंत वहाँ पर मिलती रहेगी। सो हैमस्टर का TGE एंड लिस्टिंग का अनाउंसमेंट हो चुका है। सो 26 सितंबर को ही इसका TGE भी होगा और लिस्टिंग भी हो जाएगा, और ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया गया है। अब बात करते हैं लिस्टिंग की, तो हैमस्टर ऑन OKX सबसे पहला लिस्टिंग OKX एक्शन पर होगा, कन्फर्म हो चुका है। टू बी एबल टू ट्रेड हैमस्टर ऑन OKX मेक श्योर टू कम्प्लीट योर KYC टू गेट एड्रेस एंड मेमो। तो जिन दोस्तों का अभी तक OKX एक्शन पर KYC कम्प्लीट नहीं हुआ है वो दोस्त यहाँ से KYC को कम्प्लीट कर सकते हैं। सो OKX पर ही आपको विड्रॉल मिलेगा और ये ऑफ चैन का विड्रॉल रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो ऑफ चैन विड्रॉल का मतलब आपको डायरेक्ट आपके यूजर ID पर ही आपके टोकन मिल जाएंगे, ऑन चैन नहीं होगा। इस वजह से ट्रांजेक्शन फ़ी की कोई झंझट नहीं रहने वाले, जैसे डॉक्स कॉइन में हमको विड्रॉल मिला था। अब आप कहोगे कि भाई इंडिया में तो OKX अभी बैन है, तो हमारे लिए भी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट किया गया है। इफ़ OKX इज नॉट अवेलेबल इन योर कंट्री, यू आर नॉट एबल टू पास योर KYC, डोंट वरी, वी विल अनाउंसिंग मोर एक्सचेंजेस शॉर्टली। तो ये सिर्फ OKX एक्सचेंज पर ही लिस्ट नहीं होगा, बल्कि और भी ज़्यादा बहुत सारे एक्सचेंजेस है वहाँ पर यह लिस्ट होगा। तो अभी सिर्फ OKX एक्सचेंज के लिए कहा है, तो आपको परेशान नहीं होना है। OKX के साथ और भी अलग अलग एक्सचेंजेस पर यह लिस्ट होगा। तो दूसरे एक्सचेंज के साथ इनकी बात चल रही है और जैसे ही फाइनल होगा वैसे नई अपडेट हमको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप टेलीग्राम बोट में आओगे, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है एयरड्रॉप, यहाँ पर आ जाना। यहाँ पर भी आपको इसका अनाउंसमेंट देखने को मिल जाता है। 26 डेज लेफ्ट, तो 26 सितंबर को हैमस्टर का लिस्टिंग कन्फर्म हो चुका है, सितंबर 26, 2024। ठीक है, यह लिस्टिंग डेट है। तो जिस दिन इसका TGE है उसी दिन इसका लिस्टिंग भी हो जाएगा। 26 सितंबर को ही हमको एयरड्रॉप एलोकेशन पॉइंट देखने को मिल सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अभी विड्रॉल वाला सेक्शन है, यहाँ पर अभी OKX एक्सचेंज है वो लाइव हो चुका है, तो आप यहाँ से OKX में भी विड्रॉ कर सकते हो। लेकिन इंडिया से हो तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि OKX पर आपको विड्रॉल तो मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। दूसरे एक्सचेंजेस पर लिस्टिंग का अपडेट आएगा तब हमको यहाँ पर और ज़्यादा एक्सचेंज देखने को मिलेंगे, तब हम दूसरे एक्सचेंज में विड्रॉ कर लेंगे। अब जिन कंट्रीज़ में OKX रेगुलर चल रहा है वो रजिस्टर भी कर सकते हैं, यहाँ से अपना यूजर ID भी बाइंड कर सकते हैं। पहला है सितंबर टू बी अनाउंस ऑफ चेन डिपॉजिट स्टार्ट। तो OKX पर ऑफ चेन डिपॉजिट कब स्टार्ट होगा बहुत ही जल्द ये लोग कहने वाले हैं। उसके बाद है ऑफ चेन डिपॉजिट एंड, सो यहाँ से विड्रॉल का एंडिंग टाइम भी रखा है। उसके बाद है सितंबर OKX कन्फर्म डिक्लाइन, सो कितने दोस्तों का विड्रॉल यहाँ से सक्सेस हुआ है और कितनों का डिक्लाइन हुआ है वो भी हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो बिल्कुल ही बारीकी से काम किया है, जिनका डिक्लाइन होगा उनको भी ये लोग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे। तो अभी तक तो यहाँ पर यूजर ID का ऑप्शन नहीं दिया है, जैसे ही यूजर ID का ऑप्शन देखने को मिलेगा मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। सो टेलीग्राम के साथ ज़रूर से ज्वाइन हो जाना, वहाँ पर ऐसे अपडेट तुरंत मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, सब तैयार हो जाओ, 26 सितंबर को हैमस्टर का विड्रॉल स्टार्ट होना है और हैमस्टर का लिस्टिंग भी हो जाएगा। तो चले मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अपडेट के साथ एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए कीप माइनिंग एंड कीप अर्निंग।